खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रिचा सिंह, खबरें अब तक में आप सभी का स्वागत है। खबरें अब तक में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति से आई दुखद खबर की। सीएम योगी के लिए गए यू टर्न की और यूपी में बीजेपी की बिगड़ती दशा की। इसके अलावा आज राजनीति में क्या हुआ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर बड़ी कार्रवाई, एकेडमी ने ट्रेनिंग रद्द कर वापस बुलाया। विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, उनकी ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया है। बताया गया कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त कर दिया गया है। नीट यूजी का पेपर चुराने वाले एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी ने झारखंड के हजारीबाग में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के ट्रक से कथित तौर पर पेपर चुराया था। आपको दफ्तर के लिए जगह दीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने पार्टी कार्यालय के लिए सामान्य पूल से अस्थायी आधार पर एक आवास इकाई आवंटित करने के लिए आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को 25 जुलाई तक का समय दिया है। हिमाचल में 250 स्थानों पर भूस्खलन की संभावना, ज्यादा अलर्ट किया गया। हिमाचल की सड़कों पर 250 के करीब ऐसे स्पॉट हैं जहां भूस्खलन की संभावना सबसे ज्यादा है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त, सेंसेक्स 52 अंक चढ़ा निफ्टी 24,600 के पार। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। मंगलवार को सेंसेक्स 51 अंक मजबूत होकर 80,000 के करीब बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 26 अंकों की बढ़त के साथ 24,613 पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं। तीर्थ नगरी मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर में भव्य सजावट के बीच दिल्ली का भक्त अपने पुत्र की शादी कराने पहुंच गया। मंदिर में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सोशल साइट जंग का अखाड़ा बन गया। वहीं रिसीवर समिति ने वीडियो देखते ही मंदिर में हो रही शादी को रुकवाया। इसके बाद भक्त ने अपने पुत्र की शादी स्थानीय होटल में की। देखिए ये वीडियो। दरअसल राधा रानी मंदिर में भव्य सजावट की गई। इसी बीच दिल्ली के शालीमार निवासी भक्त राजेश ने अपने पुत्र पारस की शादी सूरत निवासी युवती एकता से तय की थी। निर्णय लिया कि वो अपने आराध्य के सामने अपने बेटे की शादी करेंगे। भक्त वर वधु को लेकर राधा रानी के समक्ष पहुंच गए। मंदिर के परिसर में दूल्हा दुल्हन को कुर्सी पर बैठकर वरमाला डालने की रस्म मंत्रोच्चारणों के बीच शुरू की गई। तभी किसी ने मंदिर में हो रही इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मंदिर में शादी का वीडियो तेजी से वायरल होने से लोगों में सेवायतों के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा। मंदिर में शादी की जानकारी मंदिर के रिसीवर प्रबंध समिति को हुई तो रिसीवर प्रवीण गोस्वामी ने मंदिर की सुरक्षा में लगे गार्डों को शादी रोकने के लिए कहा। सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर में हो रही इस शादी को तुरंत रोक दिया। उसके बाद दिल्ली निवासी पारस की शादी सूरत की रहने वाली युवती से स्थानीय होटल में संपन्न हुई। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट की ओर। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई। जी हां, मुकेश सहनी के 70 वर्षीय पिता जीतन सहनी की दरभंगा के बिरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पैतृक घर में ही बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। घर में लोगों को उनकी शत विशत लाश मिली, जिसके बाद पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। हालांकि उनकी हत्या क्यों और किसने की इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से सनसनी फैल गई है। ये घटना दरभंगा के सुपौल बाजार की है। मुकेश के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। मंगलवार यानी आज सुबह जीतन सहनी का शव घर में शत विशत हालत में पड़ा मिला। वहीं दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि की है। घटना का कारण साफ नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्थिति साफ होगी।
आपको बता दें कि मुकेश हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा में चर्चा में आए थे। तेजस्वी के साथ उनकी फोटो काफी वायरल हुई थी। दरअसल जीतन सहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में घर है। मुकेश सहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है। उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। जीतन सहनी की जिस तरह हत्या की गई वो दिल दहलाने वाली है। हमलावरों ने निर्मम तरीके से घटना को अंजाम दिया है। शरीर के कई अंगों पर धारदार हथियार से हमला किया है। बताया जा रहा है कि मुकेश के पिता जीतन सहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहते थे। पत्नी का 8 साल पहले निधन हो गया था। उनके दोनों बेटे मुकेश सहनी और संतोष सहनी बाहर रहते हैं। एक बेटी रिंकू सहनी है जिनकी शादी हो गई है और वो मुंबई में रहती हैं। बाकी खानदान के अन्य सदस्य भी गांव में रहते हैं। कहा जा रहा है कि घर में 2 नौकर और 1 ड्राइवर आते जाते रहते थे। पिता गांव में मछली बेचने का काम भी करते रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि हमलावर चोरी के उद्देश्य से तो नहीं घर में घुसे थे। जांच के लिए SIT गठित की गई है। जाहिर है बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। मुकेश सहनी अपने समुदाय से जुड़े वोटर्स पर खासी पकड़ रखते हैं। बिहार में निषाद जाति बड़ा वोट बैंक भी मानी जाती है। मुकेश सहनी अन्य राज्यों की तरह निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को मुद्दा बनाकर पार्टी और खुद को स्थापित करने में जुटे हैं। मुकेश की पार्टी VIP इस समय महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। मुकेश को राजद नेता तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो बनाया था, जिसके बाद नवरात्रि में मछली खाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था। हालांकि अपने पिता का ना होना मुकेश सहनी के लिए किसी पहाड़ के टूटने से कम नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस एंगल से भी जांच कर रही है कि चुनावी रंजिश के चलते मुकेश से बदला लेने के लिए उनके पिता की कहीं हत्या तो नहीं की गई है। खैर, जांच के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा। इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। यूपी में BJP नाजुक दौर से गुजर रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। खुद BJP के दिग्गज ये साबित करने में जुटे हुए हैं। जब से लोकसभा चुनाव में यूपी की स्थिति खराब हुई है, CM योगी के लिए ताजी हवा यूपी में नहीं चल सकी है। सियासी हवाओं का रुख उनके विरुद्ध जा रहा है। CM योगी को जहां दुश्मन अपने चक्रव्यूह में घेर रहे हैं, तो वहीं उनके अपने भी बगावती सुर तेज कर रहे हैं। ऐसे में CM योगी के मनोबल को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका मनोबल टूटता है या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन यूपी में BJP के बीच असंतुष्टों का मनोबल जरूर बढ़ गया है। यही वजह है कि कभी सिराथू में BJP के थूथू कराने वाले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आज CM योगी के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में BJP के पक्ष में नतीजे बेहतर नहीं आए, जिससे एक बात साफ हो गई है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस खराब स्थिति के बाद BJP कार्य समिति की बैठक में उम्मीद थी कि चुनाव में मिली पराजय के कारणों पर मंथन होगा और उन सवालों पर बात होगी, जिसके कारण BJP यूपी में पहले नंबर से दूसरे पर पहुंच गई। ऐसे में कार्य समिति की बैठक में मंथन से कोई हल तो BJP नहीं तलाश सकी, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी से हार पर पर्दा डालने की कोशिश दिखी। ऐसे में BJP के असंतुष्ट नेताओं का मनोबल बढ़ा दिया है, जिसके चलते शीर्ष नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई हैं। वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है, तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। जो दर्द आपका है, वही दर्द हमारा भी है। देखा जाए तो केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं के मन की बात पर तालियां तो खूब बटोरी, लेकिन उनका संबोधन कई सवाल भी छोड़ गया। केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 2 साल बाद एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। व्यावहारिक तौर पर तो केशव का बयान सही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बयान ने असंतुष्टों के लिए मुखर होने का मौका दे दिया है। BJP नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दल के नेताओं ने भी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वही साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य और CM योगी में तनातनी शुरू हो गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्चस्व की जंग 2017 में उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव BJP ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा था।
प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव मौर्य को मिलना चाहिए था, पर प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मिल गई। शीर्ष नेताओं ने केशव मौर्य को किसी तरह समझा बुझा कर शांत कर उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी कर लिया। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तकरार सामने आती रही है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य यूपी सरकार की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। केशव मौर्य दो बार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। पिछले दिनों सीएम योगी की ओर से पौधरोपण अभियान को लेकर बैठक की थी, जिसमें भी केशव नहीं पहुंचे थे। केशव एक तरफ सरकारी बैठकों से भले ही दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि ये सभी बातें इशारा कर रही हैं कि यूपी में बीजेपी के हालात ठीक नहीं है। इसी के साथ वक्त हो गया है अगली रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। कभी वो बिल्कुल गुस्सैल स्वभाव में नजर आते हैं, तो कभी बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा ही कुछ नर्म मिजाज इन दिनों देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, योगी के फैसले बता रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता काफी खुश है और सीएम को धन्यवाद कहते नहीं थक रही। दरअसल उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों और राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया। एक ओर जहां शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर दो महीने की रोक लग गई, तो लखनऊ के पंत नगर में बुलडोजर के पहिए थम गए। ये रोक अदालत ने नहीं, योगी सरकार ने खुद लगाई है। यानी 24 घंटे के अंदर सरकार ने यूपी के लोगों को दो बड़ी राहत दी है। हालांकि ये राहत लोगों को ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी। ये लोगों का दबाव ही था जिसकी वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जारी बुलडोजर एक्शन फिलहाल के लिए रुक गया है। दरअसल राजधानी के रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर में बुलडोजर की कार्यवाही जारी थी और इमारतों को ढहाया जा रहा था। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर इसे लेकर एक अहम बैठक की गई। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को फिलहाल के लिए राहत मिली है और बुलडोजर की कार्यवाही को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे घरों को चिन्हित किया गया था। नदी के 50 मीटर के दायरे में बने घरों को अवैध बताया गया। कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर और अबरार नगर के करीब 1000 मकान हैं। मकानों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगा दिए गए थे। इन मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना था। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि हम सब के पास रजिस्ट्री की कॉपी है, बिजली के बिल हैं, फिर घर कैसे अवैध हो गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि जीवन भर की कमाई से उन्होंने मकान बनाया था, लोन लिया था, मकान टूटने के बाद हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। कई निवासियों ने यहां तक कि कहा था कि हमें अपनी बेटी की शादी इसी घर से करनी थी। लोगों की ये गुहार सीएम योगी तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद निर्देश दिया कि पंत नगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में कुकरैल नदी के किनारे के घर नहीं तोड़े जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है। जी हां, डिजिटल अटेंडेंस को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान एक समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों के मुद्दों को समझेगा। सरकार ने ये कदम शिक्षकों के भारी विरोध के बाद उठाया है। शिक्षक योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले का शुरू से विरोध कर रहे थे। जाहिर है, कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर पंतनगर समेत अन्य इलाकों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसे लेकर पंतनगर में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि वे अपने घरों को नहीं छोड़ने वाली हैं। आपको बता दें, इस दौरान छोटे बच्चे भी विरोध करते दिखे और उन्होंने सीएम योगी से कार्यवाही रोकने की अपील की, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। साथ ही शिक्षकों को भी फिलहाल के लिए राहत दी है। अब आगे इन मामलों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज राजनीति में क्या हुआ कुछ खास, वो भी आपको बता देते हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के लिए दोबारा सत्ता में आने के बाद ये पहली बड़ी परीक्षा होगी। यही कारण है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध दिल्ली में होगी। वहीं बरेली दंगे के मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से शहर की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की है।
उत्तर प्रदेश में प्रशासन से इस्लाम अपनाने वाले दूसरे धर्म के युवक युवतियों के सामूहिक निकाह के लिए अनुमति मांगी गई है। मौलाना तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन वाले ऐलान पर बरेली पुलिस एक्शन में आ गई है। इसके अलावा आज बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। मंगलवार सुबह 70 साल के सहनी का शतविशत शव उनके घर में मिला है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन में हैं। जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की। इसके साथ ही उन्होंने डोडा में जमीनी स्थिति का जायजा लिया और ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। फिलहाल अब मुझे दें इजाजत, मगर जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। देश में जब कोई भी आतंकी हमला होता है तो अक्सर हमारे मन में इस तरह के सवाल आते हैं कि क्या ईश्वर को इस सब से कोई फर्क पड़ता है? लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या आतंकवाद कभी खत्म होगा? क्योंकि देखा जाए तो देश में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू संभाग में इस साल आतंकवादी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि आतंकवाद से निपटने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाए जाने की बात कही गई है। अकेले जून और जुलाई के महीने में ही 8 आतंकवादी वारदातें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ लेने के दिन से शुरू हुआ आतंकी हमलों का सिलसिला अब भी जारी है। बीते कुछ सालों में खासकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। वो टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले लोगों के मन में दहशत पैदा की जा सके। 77 सालों में आतंकवाद ने भारत माता और हमारे जवानों के सीने को कई बार गोलियों से छलनी किया। भारतीय सेना सुरक्षा बलों के जवान और देश भर की पुलिस लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। इसके बावजूद आतंकवाद को कोई वक्ता इलाज नहीं मिल सका है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार आतंकी हमलों में हमारे जवानों की शहादत आखिर कब तक होती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे अब दें इजाजत इसी सुविचार के साथ। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है।